केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है और हरियाणा राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का कमाल है। उनकी गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय और विकास की जो नीतियां रही, ये उसकी जीत है। मैं भाजपा को बहुत बधाई देती हूँ। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है और वहां भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा में हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और ये हरियाणा राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का कमाल है। उनके सरकार की गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय और विकास की जो नीतियाँ रहीं, ये उसकी जीत है। मैं अपना दल की ओर से हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहाँ पर भी लोकतंत्र की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में धारा 370 लगने के बाद ये पहला चुनाव था और पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से पूरे लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया का संपन्न होना और जम्मू कश्मीर के मतदाता का बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना, ये अपने आप में लोकतंत्र की मजबूती का बहुत बड़ा संकेत है और आगे लोकतंत्र की ये प्रक्रिया और मजबूत हो। सहयोगी दल ने वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन किया है और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत होने के साथ साथ उस क्षेत्र की जो परिदृश्य है वो बदले, वहाँ पर विकास हो, लोगों के जीवन में बदलाव हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं।